अभी हम पहुंचे हैं जयपुर मेट्रो जंक्शन पर, माँ भगवती रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस पर। वहीं का भी हम ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग को पूरा देखना, बहुत शानदार बनेगा। जयपुर मेट्रो जंक्शन पर है अभी हम, बारिश का टाइम है, बारिश हो रही है लगातार। नमस्कार भैया, जय माता जी की। ये जो आपका भगवती रेस्टोरेंट है मेट्रो जंक्शन गेट नंबर एक पर, ये लगभग कितने वर्ष पुराना है? लगभग एक साल हो गए। एक साल हो गए। वैसे रहने वाले आप कहाँ के हो? मैं नागौर, डीडवाना से हो आप। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि अपने को जयपुर में रेस्टोरेंट करना है? मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था कुकिंग वगैरह में, और मेरा खुद का कैफे भी था पहले, मानसरोवर में कैफे है, मानसरोवर में हैप्पी कैफे के नाम से। फिर अभी क्या, ये अपने जगह देखी मैंने, यहाँ पे स्पेशल मार्केट अच्छा है और कस्टमर भी है और रश रहता है, इसलिए यहाँ पे सोचा कि अपने स्टेशन पे रेस्टोरेंट करते हैं। यहाँ पे अपन ने ये सोच के रेस्टोरेंट किया, ऊपर गेस्ट हाउस है, ऊपर गेस्ट हाउस है, नीचे रेस्टोरेंट है। देखिए, इनके ऊपर गेस्ट हाउस है, रहने की भी इनके पास व्यवस्था है। तो रूम किस किराए में देते हो? रूम अपने नॉन एसी है, 800 से 850 रुपये, 800 से 850। लेकिन इस समय जो ये जयपुर का माहौल है, लगातार पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यू बारिश हो रही है। अभी 3 दिन से तो बारिश का ये स्थिति है कि एक मिनट भी रुकने का नाम ले रहा है, तो काम धंधे तो मंदे होंगे। मंदे, अभी काम बिल्कुल मंदे हैं। देख लो मार्केट कम है, टूरिस्ट भी कम आ रहे हैं अभी बारिश को देखते हुए, और पानी भी जयपुर में जहाँ जहाँ भरा हुआ है तो लोग कम आ रहे हैं कि भाई बारिश में अगर घूमना फिरना नहीं हो पाएगा। मुख्य रूप से आप कौन कौन सा आइटम जो आपका फेमस है तैयार करते हो? वेज है, अपना वेज रेस्टोरेंट है, तो वेज सारे फेमस में तो अपने जैसे पनीर, यहाँ राजस्थानी जो फूड है दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा भी अपन देते हैं। दाल बाटी चूरमा देते हो, उस प्लेट की रेट क्या लेते हो? 200 रुपये थाली अपनी, 200 रुपये थाली में भरपेट खाना खिलाते हो? भरपेट, उसमें बाटी है, चूरमा है, दाल है, पापड़ है, सलाद है, अचार है, छाछ है, ये सब चीज़ें अपने थाली में देते हैं। मिर्ची का कूट है, कड़ी, ये अपनी थाली है, इसमें ये अपन देते हैं, 200 रुपये की थाली है। दाल बाटी सब्जी वगैरह अलग से बनाते हैं, उनकी रेट वगैरह क्या रहती है? मिनिमम रेंज है, मतलब आप मान लो बट 100 रुपीज़ हाफ है और फुल 140 समथिंग है। और थाली वगैरह सिस्टम भी है क्या? रेट वगैरह भी अपनी 70 रुपये से स्टार्ट, लेके 70 से लेके 200 रुपये तक थाली। जो 70 रुपये वाली है उसमें क्या क्या देते हो? उसमें आलू मटर की सब्जी है, दाल है, 4 रोटी है, सलाद है, अचार है। और 200 रुपये वाली जो आपकी थाली है? अपनी राजस्थानी थाली है, दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमे की। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? दीपेंद्र सिंह। तो आप कब से इस लाइन में हो? अभी आए हो आप? तो आप एक बार अपनी किचन दिखाइए जिसमें आप तैयार किए। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? भरत सिंह है सर। भरत सिंह, एक ही नाम के हो गए फिर तो। नागौर से हैं? यहीं से ही है, जयपुर से ही हैं। तो आपकी किचन दिखाइए, क्या क्या आइटम आप तैयार करते हो? देखिए, बारिश का मौसम है इसलिए कस्टमर वगैरह आज कम है, फिर भी हम आए हुए हैं तो इनके यहाँ का वीडियो शूट कर रहे हैं। आप वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा इनके यहाँ खाना कैसा बनाया जाता है, क्या क्या आइटम तैयार होता है। ये मेट्रो रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 के पास है इनका रेस्टोरेंट। ये देखिए, ये इनकी किचन है, साफ सफाई देखिए कितनी शानदार है। अभी क्या नाम है भैया आपका? नाम दीपक। कौन कौन सी सब्जी वगैरह तैयार करते हो? अभी क्या तैयार कर रहे हो आप? चलो करिए, आप तैयारी करो, जब तक मैं एक बार अंदर जो कस्टमर है उनसे भी बातचीत करते हैं। ये देखिए, जयपुर दर्शन खाटू श्याम जी टैक्सी सर्विस भी इनके यहाँ उपलब्ध है। ये देखिए, खाना वगैरह खा रहे हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से आए हैं। जयपुर घूमने के लिए आए हैं या खाटू श्याम जी वगैरह जाने के लिए आए हैं? घूमने के लिए आए हुए हैं, बारिश का मौसम है, अभी इनके यहाँ ये खाना वगैरह खाया है। कौन सा खाना आपने लिया है? पनीर मटर मसाला। तो आपको इनका टेस्ट कैसा लगा थोड़ा बताइए। एकदम
यदि दोबारा जयपुर आने का काम हो, इधर ही आता हूँ। इधर ही आते हो बराबर? अच्छा अच्छा, आपका नाम बेटे? आपने यहाँ का खाना खाया है? पहले भी आप आए हुए हो, कैसा लगा आप लोगों को यहाँ का टेस्ट? अच्छा, ये क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि बारिश का मौसम है इस समय राजस्थान में, इसलिए थोड़े कस्टमरों की प्रॉब्लम है क्योंकि पिछले 3 दिन से तो बारिश थमी नहीं रही है जयपुर में, अन्यथा यहाँ पूरी भरी रहती है। इनके ऊपर गेस्ट हाउस है, ठहरने की भी अच्छी व्यवस्था है। तो आप वीडियो देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे थोड़ा बताइए? राधे राधे। ये देखिए, ये इनकी किचन है, ये तैयार कर रहे हैं। ये देखिए इनके मसाले वगैरह देखिए कितने शानदार हैं। ये मसाले बाजार से साबुत मसाले लेके आते हैं, उनको बिल्कुल साफ सफाई करके कुटवा कर पिछवा कर खुद तैयार करके मंगवाते हैं। ये क्या आइटम है भैया? किचन किंग। ये किचन किंग मसाला है, ये नमक है, ये लाल मिर्ची है, ये जीरा है, ये साबुत धनिया है, ये पिसा हुआ धनिया, हल्दी, कस्तूरी मेथी है, गरम मसाला वगैरह है, तो ये सांभर मसाला, बड़ा मसाला। लेकिन जो खाना आपको यहाँ मिलेगा वो बिल्कुल साफ सफाई और शुद्ध मिलेगा। प्योरिटी है, प्योर रखा अपने, वेज पूरा पूरा वेज रखा है और प्योरिटी के साथ हर चीज़ है, वो एक बिल्कुल प्योरिटी के साथ, मतलब अपना मार्जिन नहीं देखते, मार्जिन नहीं निकालते, क्वालिटी के साथ देते हैं, हर चीज़ क्वालिटी के साथ रखी है, वैरायटी रखी है, सारी खूब सारी वैरायटी रखी है और कम मिनिमम रेट में अच्छी क्वालिटी देते हैं। सबसे बड़ी बात है क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज। यदि आप यहाँ आते हैं, अगर लेट आवर्स में आते हैं, इनके यहाँ ऊपर गेस्ट हाउस भी है जिसमें ठहरने की व्यवस्था भी है, साथ में आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन भी मिलेगा। ये देखिए प्याज टमाटर कटिंग की है, ये इनकी किचन है। आज क्या है कि थोड़ा बारिश का मौसम है, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए कस्टमर बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं। फास्ट फूड में अपने पास में मसाला डोसा, ये देखिए ये फास्ट फूड भी तैयार कराते हैं, मसाला डोसा है, पिज्ज़ा है, सैंडविच है, बर्गर है, पास्ता है, चाउमीन है, पाव भाजी है, फ्राइड राइस है, स्प्रिंग रोल है, मोमोज है, आइसक्रीम वगैरह भी है, कोल्ड कॉफी, जूस, शेक वगैरह भी देते हैं अपन, डोसा वगैरह देते हैं, मॉकटेल, शेक, आइस टी, लेमन आइस टी, कोल्ड ड्रिंक, सब सब उपलब्ध है अपने पास, ऑलराउंडर मतलब सारा अपन उपलब्ध करवाते हैं। इस वीडियो को देखने वालों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश? मौसम अच्छे हो रहे हैं तो मौसम अच्छा है अभी, तो पधारिए आप, बिल्कुल दाल बाटी चूरमा खाने के लिए पधारिए, पनीर पकौड़े वगैरह, वेज पकौड़े वगैरह खाने के लिए पधारिए अपने यहाँ पे। माँ भगवती अपने स्टेशन पे है, रेलवे स्टेशन पे है, माँ भगवती रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस के नाम से आप गूगल करेंगे तो भी गूगल पे मिल जाएगा अपने, एंड आप आके पधार के भोजन टेस्ट करके देखिए। ये देखिए ये स्थिति है, मूसलाधार बारिश हो रही है, पिछले 3 दिन से लगातार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। ये इधर कस्टमर है जिन्होंने खाना खाया है, ये अभी देखिए इनके यहाँ की रेसिपी का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दाल बाटी वगैरह भी तैयार है क्या? और कस्टमर भी नहीं है। ये देखिए कटी हुई हरी मिर्ची डाली है, ये प्याज और हरी मिर्ची को फ्राई कर रहे हैं। अभी देखिए इसमें तड़का लगाएंगे, ब्राउन थोड़ा सा हरी मिर्ची प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें तड़का लगाया जाएगा।
ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। वाह वाह वाह, क्या लपके निकली हैं। यही इनके बनाने का शानदार तरीका है। देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट डालते ही क्या खुशबू आने लगी है। ये थोड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट और डालना है और डालते देखिए लपट। ये हल्दी डाली गई है, नमक, ये देखिए ये कौन सी भुजिया है, रतलामी भुजिया है, इनको भी फ्राई किया जा रहा है। अब इसमें डाला जा रहा है दूध, अमूल दूध डाला है, ये पानी में नहीं बनती है। इनके बनाने की रेसिपी अलग ही है, देखिए आप। अब ये देखिए मसाले वगैरह डाले जा रहे हैं। अभी लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं डाली गई है। ये देखिए बिल्कुल लाइट लाल मिर्ची डाली गई है। सबसे लास्ट में पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला वगैरह ये डालेंगे। ये थोड़ा सा पानी भी डाला है। ये देखिए अब इसमें क्रीम डाली जा रही है। ये देखिए क्रीम डाली है, इससे इसके स्वाद में चार चांद लग गए हैं। ये देखिए बिल्कुल न तो ज़्यादा इसमें मसाले हैं, न ज़्यादा तेल वगैरह है। इसके इसको बड़े लोग भी खा सकते हैं, छोटे बच्चे वगैरह खाएं तो वो भी आराम से खा सकते हैं। करीम ऊपर की ओर डाली है। अब ये देखिए इनके रेस्टोरेंट की इस सब्जी का जायका देखिए कितना शानदार है। खुशबू देखिए, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। यदि आप एक बार आकर इनके यहाँ की सब्जी वगैरह खाना टेस्ट करेंगे तो बार बार इनके रेस्टोरेंट पर आकर सब्जी वगैरह खाएंगे। ये कस्तूरी मेथी डाली गई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि माँ भगवती रेस्टोरेंट रेलवे जंक्शन वालों का रेसिपी व खाना आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताना। राधे राधे।